हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट और यूनिक वीडियो लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियोस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो आपको यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या गलती नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप यूट्यूबर बनने के लिए अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यू यूट्यूब में वीडियोज़ भी बना रहे हैं और अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी अगर आप एक अच्छा और सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन पा रहे हैं, या फिर आप एक अच्छा सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गए हैं, यूट्यूब में ग्रोथ अपने चैनल्स को कर लिए हैं, तो हो सकता है आप अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी ये गलती ज़रूर कर सकते हैं अपने यूट्यूब के जर्नी में। सो मैंने कुछ गलतियाँ किया था यूट्यूब पर, जो मेरे पास 8 साल का यूट्यूब का एक्सपीरियंस है, मैं वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड वीडियो को द एंड यानी लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि हर एक वीडियोस में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो देखने के बाद कुछ भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मेरा वीडियोज़ का हर एक कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ रहता है, नीचे में आप कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल राजा रॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देना चाहूँगा कि मेरे 8 साल का YouTube का एक्सपीरियंस पे मैंने क्या गलती किया और मैंने YouTube से क्या चीज़ सीखा, जो आपको नहीं करना है। आप वीडियोस को कंटिन्यू देखिएगा, तभी जाके आपको कुछ अच्छा सा सीखने के लिए मिलेगा, या फिर आप यूँ कह लो, जान लो कि आपको एक अच्छा खासा जानकारी मिलने वाला है। क्योंकि मैंने 8 साल तक YouTube में काम किया कंटिन्यू, और मैं YouTube पे एक दो नहीं, आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको पता होगा, मैं टोटल YouTube में 10, जी हाँ दोस्तों 10 चैनल चलाता हूँ, जो कि हर एक चैनल मेरे अलग अलग कैटेगरीज के हैं। उसमें से कुछ कुछ चैनल्स हैं जिसमें मैं अपने फेस और अपने ऑडियो यानी आवाज़ को लेकर आता हूँ, बाकी कुछ चैनल्स मेरे ऐसे हैं जो कि अलग ही कॉन्टेंट होता है, जिसमें ना ही मेरा फेस होता है और ना ही मेरा वॉइस होता है। तो भैया, अगर मैं 10 YouTube चैनल चला रहा हूँ तो आप सोच सकते हो, और आज से नहीं करीब 8 साल से, भले ही आप ये वीडियो जिस चैनल पे देख रहे हैं इस चैनल पे उतना अच्छा खासा सब्सक्राइबर नहीं है, बट 10 चैनल मेरे पास और ऐसे ऐसे हैं जो कि 8 साल से मैंने YouTube में काम किया है। तो वो 8 साल का जो मेरे पास एक्सपीरियंस है YouTube का, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, और इस 8 साल पर मैंने क्या गलती किया YouTube में वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मेरे पास एक मेरा चैनल है, जी हाँ दोस्तों मेरा एक चैनल है, मैं आपको वो चैनल दिखाता हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे लेकर चलता हूँ, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं सबसे पहले उस चैनल को दिखा देता हूँ कि उस चैनल पे मैंने क्या गलती किया, और आप लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, अपने यूट्यूब चैनल्स को लॉग इन भी कर लिया हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये मेरा एक वो चैनल है जिसका नाम सवाल जवाब है, और मैं इसका कुछ आपको अबाउट सेक्शन पे ले जाकर इसके मैं कुछ आपको डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। देखिए ये चैनल कब क्रिएट हुआ था, 29 सितंबर 2016 में मैंने ये चैनल को क्रिएट किया था। अब 2016 में अगर चैनल क्रिएट हुआ है तो 4 साल, और 2024 चल रहा है यानी 8 साल। अब यूँ ही आइडिया लगा लीजिए कि 8 साल का यूट्यूब का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और मैं 8 साल से यूट्यूब में काम कर रहा हूँ। सिर्फ एक ये चैनल नहीं है, ऐसे मेरे पास और भी कई चैनल है जो कि 8 साल 6 साल 7 साल पुराना है, यानी ओल्ड चैनल है। बट इस चैनल पे मैंने कुछ गलती किया था, अभी इस चैनल पे मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या फिर मैंने कभी किया था, वो गलती मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, जो आपको नहीं करना है, वरना आप कभी भी एक यूट्यूबर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब में सक्सेस मिल भी गया तो कभी भी आपका चैनल डेड हो सकता है, कभी भी आपका यूट्यूब में बनी बनाया हुआ कैरियर ख़त्म हो सकता है, ये रियलिटी है। तो अगर आप चाहते हैं आपके यूट्यूब में आपके कैरियर जो आपने बनाना शुरू किया है वो बने रहे, अगर आपको यूट्यूब में सक्सेस मिला है तो वो सक्सेस आपका बरकरार रहे, तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, और वो गलती नहीं करना होगा जो गलती मैंने इस चैनल के साथ में किया था, जो मेरे सवाल जवाब चैनल है। तो देखिए मैंने आपको दिखाया, ये सवाल जवाब चैनल है मेरा, जो कि 29 सितंबर 2016 को मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था। व्यूज़ इस चैनल पे अच्छा खासा आ रहा था,
285 285 वीडियोस इसमें अब तक अपलोड हो चुका है। सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं 89.8K सब्सक्राइबर है, समथिंग 1 लाख जैसा सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है। और इसके बाद मैं चलिए अब आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे मैं वीडियो सेक्शन पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं पॉपुलर वीडियो दिखाता हूँ। देखिए ये इस चैनल का पॉपुलर वीडियो है, 7 साल पहले का, 4 साल पहले का, 5 साल पहले का, और इसमें व्यूज़ आप देखो बहुत अच्छा खासा व्यूज़ है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया व्यूज़ आता था, अच्छा व्यूज़ आता था, मस्त का व्यूज़ आता था हर एक वीडियोज़ पर। एंड अगर ओल्डेस्ट वीडियो यहाँ पर दिखाऊँ तो देखो ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट वीडियो है, जो कि 7 साल 8 साल 10 साल पुराना है। अब इस चैनल को मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया था आपको ये देखना है। पहले देखिए इसमें एक वीडियोज़ है, बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर 2017 हिंदी, इसमें 36,000 व्यूज़ आया 7 साल पहले, एक मैंने वीडियो एडिटिंग का वीडियोज़ है इसमें अपलोड किया था। दूसरा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल का, वीडियोज़ को मोनेटाइज कैसे करें और पैसे कैसे कमाएं, ये भी एक वीडियोज़ इसमें अपलोड हुआ था। और देखिए हाउ टू ऑनलाइन बाय, मतलब ये कुछ ऐसे वीडियोस है, 2-3 वीडियोस है चैनल में, जो कि एक टैग चैनल था। अब आप सोच सकते हैं ये टैग चैनल था, ये चैनल को मैंने बनाया था टैग चैनल, इसमें मैं टैग वीडियोस भी, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस भी बना के डाला था। और अभी भी इस चैनल पे 2 या 3 वीडियोस है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है ओल्डेस्ट पे। फिर ये चैनल का क्या हुआ, कैटेगरी चेंज हो गया, उसके बाद इस चैनल पे कपड़े से, क्लॉथिंग का जो मार्केट होता है, कपड़ा का मार्केट का ब्लॉगिंग करने लगे, और ये चैनल जो है उसमें अच्छा खासा बूस्ट हो गया है, इसमें अच्छा खासा ग्रोथ मिल गया, और ये देखिए पूरा कपड़ा का ही इसमें वीडियो जो है मैंने डालना शुरू किया, और अच्छा खासा ये चैनल्स के वीडियोस पे व्यूज़ भी आया, चलने भी लगा, अच्छा खासा चल रहा। तो भैया फिर यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई और गलती मैंने क्या किया, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है, इम्पॉर्टेंट बात यही है जो मैं आज आपको बताऊँगा। देखिए गलती यहाँ पे क्या हुआ है ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने कहा पहला ये चैनल पे टैग कैटेगरीज का चैनल था, 2-3 वीडियोज डाला टैग, फिर वो चेंज हो गया कैटेगरीज, कपड़ा से रिलेटेड आ गया, टेक्सटाइल मार्केट से रिलेटेड, मतलब ब्लॉगिंग जो मार्केट एक्सप्लोरिंग करने का होता है वो ब्लॉगिंग टाइप का वीडियोज बना के इस पर डालने लगे, और अच्छा खासा वीडियोज बन गया, समथिंग 285 वीडियोज इसमें बन चुका है डाले, और अच्छा खासा इसमें बूस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन गलती कहाँ पे हुआ ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लेटेस्ट वीडियोस पे मैं क्लिक करता हूँ और सबसे नीचे चलता हूँ, मैं सबसे नीचे अगर बात करो यहाँ पे देखिए कपड़ा का वीडियो ये था 2 मंथ पहले, 2 महीने पहले था, 210 व्यूज़ है 2 मंथ एगो, ये कपड़े का है, ये कपड़े का वीडियोज़ 1 साल बाद। अब यहाँ पे गैपिंग देखो, 1 ईयर्स एगो, 1 साल के बाद फिर ये 2 मंथ एगो एक वीडियोज डाला गया, इसमें अपलोड किया गया, और 1 ईयर्स 1 ईयर था, फिर 1 ईयर पे है, 1 ईयर पे और कहीं ना कहीं गैप होगा, 2 ईयर्स 2 ईयर, देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हुआ, यहाँ देखो 2 ईयर्स एगो, मतलब 2 साल पहले ये वीडियो डाला गया, बीच में 1 साल गैप हो गया, फिर उसके बाद 1 साल बाद कुछ वीडियो डाला गया, 3, 4, 5, 10, उसके बाद फिर गैप हो गया 1 साल, उसके बाद फिर 2 महीने पहले ये वीडियो डाला गया। तो गलती यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, समझ में यहाँ पे गलती अगर आपको नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं आपको समझाता हूँ। इस चैनल पे वीडियोस बनते ही गया, डालते डलते ही गया, अपलोड होते ही गया। अब उसके बाद चैनल को मैं क्या हुआ कहानी की देखिए, फिर मैं होम सेक्शन पे चलता हूँ, सॉरी वीडियो सेक्शन पे रहते हैं, ये देखिए वीडियोस पे। अब इस चैनल पे गलती क्या हुआ, जैसे एक एक साल का चीज़ था ना, मैं बताता हूँ पहला गलती, जो आप गलती से भी ये गलती मत करना, पहला गलती कि आप अगर यूट्यूब में वीडियोज़ बना रहे हैं ना तो कंटिन्यू वीडियोस बनाने की कोशिश कीजिए, डेली कम से कम एक वीडियोस का आप टारगेट कर लो, कंटिन्यूसली आपको यूट्यूब में रहना ही पड़ेगा, एक्टिव यूट्यूब को वीडियो देना ही पड़ेगा। वरना अगर आपके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया है और आप अगर बीच में 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी अगर बीच में गैप हो जाते हैं, वीडियोज़ वगैरह नहीं डालते हैं, तो भैया आपका चैनल डेथ हो जाएगा, ये मेरा बात आप मानो या मत मानो, ये सच्चाई है, आपके चैनल बिल्कुल डेथ हो जाएगा। 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद अगर आप फिर से आ रहे हो उस चैनल पे अगर काम कर रहे हो तो वो चैनल आपका डेथ हो चुका है, मर चुका है, उस चैनल को फिर से एक्टिव करने में, जिंदा करने में आपको अच्छा खासा फिर से मेहनत करना पड़ेगा। बट उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके उस चैनल के वीडियोज़ को बूस्ट होगा, बूस्ट मिलेगा, व्यूज़ आएगा या नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। एक डेथ चैनल्स को फिर से बाउंड करना बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट वर्क है, ये बहुत ही हार्ड काम होता है। तो पहला गलती, कंटिन्यूसली आपको रहना है, बीच में गैपिंग नहीं करना है, जो कि मैंने इस चैनल के साथ में किया था। और दूसरा गलती मैं आपको बता दूं,
दूसरा गलती क्या होता है कि आपको कभी भी कैटेगरीज या कंटेंट वगैरह चेंज नहीं करना है। अब देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, कैटेगरी चेंज करने से चैनल आपका डेड हो सकता है और हो जाता है। यहाँ पे एक क्लोथ का मार्केट का था, देन उसके बाद फिर एक महीने के बाद क्या हुआ, मैंने टैग वीडियोज़ इसमें डालना शुरू किया। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं टैग वीडियोज़ इस पर डालूंगा तो ये चैनल डेथ नहीं होगा, जो सब्सक्राइबर है वो बने रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है। जो 1 लाख लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया था वो कौन थे? वो कपड़े से रिलेटेड वीडियो देखने वाले थे, वो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे या फिर शॉपकीपर थे। अब उनको ये टैग वीडियोज़ वगैरह देखना नहीं है, पसंद नहीं है। उसमें से कुछ कुछ लोग होंगे जो मोबाइल का ऐप्स वगैरह टेक्निकल रिलेटेड इधर उधर कुछ होते हैं जो देख लेते हैं या फिर देख लेंगे, लेकिन हर कोई नहीं देखेगा क्योंकि हर एक इंसान के पास उतना टाइम नहीं है। टाइम है तो वो इस टॉपिक पे, इस कैटेगरीज पे उनको इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं देखेंगे। दूसरा गलती क्या है, मैंने कैटेगरीज को चेंज कर दिया, दूसरी वीडियोज इस पर डालना यानी अपलोड करना शुरू कर दिया, जो कि आपको ये नहीं करना है, वरना आपके सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली आपके वीडियोस को देखना पसंद नहीं करेंगे या तो फिर आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देगा, बोले क्या यार ये तो कुछ और वीडियोस बना रहा था अभी कुछ और डाल रहा है, तो अनसब्सक्राइब कर देंगे आपके चैनल्स को। ऐसे ही आपका चैनल पे व्यूज़ वगैरह आपके वीडियोस पे नहीं आएगा, चैनल फिर से बूस्ट वगैरह तो होना ही नहीं है। ये दूसरी गलती है। अब तीसरी गलती, आपके मन पे एक सवाल आ रहा होगा कि जब ये क्लॉथ का कैटेगरीज का चैनल था तो फिर मैंने इस पे क्लोथ चैनल सॉरी क्लोथ से रिलेटेड वीडियोस बनाना क्यों बंद कर दिया? देखिए एक छोटा मोटा स्टोरी और कहानी आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। हर किसी के पर्सनल लाइफ में होता है, आपके साथ भी हुआ होगा या फिर आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ये चैनल जब मेरा चल रहा था, बूस्ट हुआ था, उस टाइम पे मैं कुछ पर्सनल लाइफ में समझ लो कुछ डिप्रेशन वगैरह पे था, जिसके वजह से मैं इसको वीडियोज़ वगैरह शूट नहीं कर पा रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ ऐसा मेरा पर्सनल लाइफ में था जो कि बीच में मैंने 3 से 4 महीना अचानक सा मैं गैप गैप हो गया, मतलब मैंने यूट्यूब वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, समझ लो एक दुनिया से मैं अलग दुनिया पे चला गया 3-4 महीने के लिए, पूरा डिप्रेशन वगैरह पे चला गया था आप ये समझ लो, जिसके वजह से मैंने वीडियोस वगैरह बनाना बंद कर दिया और जिसके वजह से ये चैनल पूरा का पूरा डेथ हो गया। फिर मैं जब से रीएक्टिवेट हुआ, यूट्यूब पे देखा तो मैंने ब्लॉगिंग वगैरह का जो ये क्लोथ मार्केट से रिलेटेड जो भी था वीडियोस बनाने की कोशिश किया, बट उस टाइम पे क्या हुआ, जो भी मेरे कांटेक्ट में था, शॉपकीपर था जहाँ पे मैं जाता था, वीडियोस बनाता था, ब्लॉगिंग करता था, वीडियोस वगैरह शूट करता था, दुकानों का, मार्केट का, मार्केट को एक्सप्लोर करता था, वो 3-4 महीने क्या वो सारे कांटेक्ट भी मेरे से छूट गए। जो भी मेरे करीब के लोग थे, बिजनेस पार्टनर थे, जिनको मैं जानता था, मेरा मतलब कोलेबरेट करता था मेरे साथ में, पार्टनर जितने भी थे वो सारे लोग मेरे से डीएक्टिवेट हो गया, मैं डीएक्टिवेट हो गया, वो सारे लोग मेरे से डिकनेक्ट हो गया, तो लोगों से मैं दूर हो गया। तो उन लोगों के साथ मैं फिर से कांटेक्ट करना, कांटेक्ट बनाना, फिर से काम करना, आप समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर एक बार आप एक बिजनेस को खड़ा करते हैं और वो बिजनेस अगर आपके गिर जाते हैं तो भैया फिर से उस बिजनेस को उठाने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो फिर से ये चीज़ नहीं हो पाया क्योंकि उस कंडीशन में शायद मैं था नहीं, तो इसलिए वो चीज़ नहीं हो पाया। लास्ट में मैंने क्या सोचा कि चलो यूट्यूब चैनल ही है, अरे 50% लोग चले जाएंगे इधर उधर, लेकिन 50% लोग तो होंगे जो मेरे टैग वीडियोस को लोग ज़रूर देखेंगे। मैंने टैग वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और टैग वीडियोस इस पर डाल दिया। आप सोच रहे होंगे कि टैग वीडियो जब आप इस पर डाल रहे थे तो फिर आपको ब्लॉगिंग जो होता है क्लोथ वाला, मार्केट एक्सप्लोरिंग वाला वीडियोज़ भी तो आप डाल सकते थे। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मार्केट एक्सप्लोरिंग वाला वीडियोज़ के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ता था, आउटडोर पे वीडियो शूट करना पड़ता था। अब अगर मैं टैग वीडियोस वगैरह डालता हूँ तो ये क्या है, इनडोर में वीडियो शूट होता है, पूरा स्टूडियो में बैठ के हम शूट कर सकते हैं, यहाँ पे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेला एक बंदा है तो आप कर सकते हैं, कैमरा को सामने पे ट्राईपोड पे खड़े करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, चीज़ पे बैठ जाइए, बिंदास आप वीडियोज़ बना सकते हैं। यहाँ पे बीच में कोई शॉपकीपर नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी बंदे से आपको कॉन्टेक्ट नहीं करना है, उनके दुकान पर नहीं जाना है, मार्केट पर एक्सप्लोर नहीं करना है, कॉन्टेक्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो मुझे लगा कुछ कुछ वीडियोस है बनाते हैं, दूसरे चैनल के लिए मैं वीडियोस वगैरह बनाता था वही वीडियोस मैं इस पे भी डाल दिया, मैं सोचा बच के रह जाए कहीं चैनल डेथ तो नहीं होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, चैनल में व्यूज़ नहीं आया। देखो आप यहाँ पे इस चैनल्स को देखो, मैंने जितनी भी टैग वीडियोज डाला भी देखो आप, 112, 136, 33, 40, 38, 27, 22, 101, 98, मतलब व्यूज़ कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है ना व्यूज़। अभी सब्सक्राइबर देखो कितना है, 89.8K, समथिंग 90,000 सब्सक्राइबर है, तो भैया कम से कम 1,000 व्यूज तो आना चाहिए।
90,000 सब्सक्राइबर है, तो 1,000 व्यूज तो आएगा, 5,000 व्यूज तो आना चाहिए एक वीडियोस पे, लेकिन नहीं, कितना आ रहा है, 30, 20, 40, 50। तो ये है रियल फैक्ट, ये गलती आप मत कीजिएगा, ये सब गलती आपको नहीं करनी है, वरना आपके चैनल भी इसी प्रकार से डेथ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, चैनल को आप बचा ही नहीं सकते हैं। तो ये गलती कभी आप लोग मत कीजिएगा। और हाँ, गलती सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, सबसे बड़ा मुद्दा पता है, सबसे बड़ा गलती क्या है जानते हैं आप? अब देखो, ये अगर 90,000 सब्सक्राइबर चैनल है और आप अगर ऐसा गलती, ये सब गलती करते हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, तो आपके चैनल तो मोनेटाइज था, पैसा भी इनकम हो रहा था, ऐड भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक बार अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वो डीमोनेटाइज भी हो सकता है? कभी आपने ऐसा सोचा था, सुना था, या फिर आज तक यूट्यूब में कोई ऐसा वीडियो देखे हैं? चैनल एक बार मोनेटाइज करने के लिए हम कितनी कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली यूट्यूब के साथ नहीं रहेंगे ना, 3, 4, 5 महीना भी वीडियोस वगैरह यूट्यूब में डालना अगर छोड़ देते हैं ना, तो आपका चैनल भैया डीमोनेटाइज कर देता है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब का जो पार्टनर प्रोग्राम होता है वो आपको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, चाहे आपके चैनल जितनी भी बड़ी है, जितनी भी सब्सक्राइबर है, जो भी है, जब यूट्यूब देखता है कि नहीं ये चैनल एक्टिवेट नहीं है, एक्टिव नहीं है, कंटिन्यूअसली वीडियोस वगैरह नहीं डाल रहा है, तो वो आपके यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो है मोनेटाइजेशन का पॉलिसी वो भी डीएक्टिवेट कर देगा। देखो इस चैनल पे हुआ है, डीएक्टिवेट हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस चैनल्स पे, इस चैनल्स की अगर मैं दिखाऊँ आपको ना, चलिए मैं कस्टमाइजेशन चैनल पे चलता हूँ, ये वाला चैनल जो है ना ये मोनेटाइज नहीं है, ये डीमोनेटाइज है, मोनेटाइजेशन पहले था। अब देखो मैं यहाँ पे गया, डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे अर्न का बटन पे मैंने क्लिक किया, ये देखो आप, अब क्या दिखा रहा है, स्टार्ट योर अर्निंग जर्नी, ग्रोथ योर कम्युनिटी एंड अर्न मंथली। देखो सुपर एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांग रहा है ना, एलिजिबिलिटी 1,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 500 में से 1,000 इतना हो चुका है, 3 वीडियोस 90 दिन में अपलोड करना चाहिए, वो भी हुआ, लेकिन वॉच टाइम जो है इसमें फिर से चाहिए। अब वॉच टाइम देखो क्या हो गया, 4,000 वॉच टाइम का, घंटा का जो होता है, आप वीडियो नहीं डालते हैं 3, 4, 5 महीने, तो उसमें क्या होता है, वीडियो जो आपके पुराने वो चल रहा है बट उतना उसमें व्यूज नहीं आता, क्योंकि नया वीडियो डालने रहे, इससे क्या होता है आपके चैनल का जो वॉच टाइम होता है ना वो डाउन होता जा रहा है, वो गिरता है, और वो जब गिरता है 4,000 वा घंटा वॉच टाइम से गिरते गिरते वो नीचे आ जाता है, और फिर यूट्यूब डिमोनिटाइज कर देता है। फिर से अगर आप उस चैनल को मोनिटाइज करेंगे तो भैया आपको फिर से 4,000 घंटा वॉच टाइम लेकर आना पड़ेगा, तब जाके आप मोनिटाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, 514 पब्लिक वॉच आवर है, लेकिन 3,000 चाहिए शॉर्ट वीडियोज़ के लिए, और देखिए लॉन्ग वीडियोज़ के लिए यहाँ पे क्या देखा, 365 दिन में 4,000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए। सब्सक्राइबर तो इसमें है 89,889,812 सब्सक्राइबर है, 1,000 चाहिए, लेकिन ये है कंप्लीट है, यहाँ पे जो है ये वाला वॉच टाइम फिर से 4,000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा, या तो फिर 10 मिलियन 90 दिन में शॉर्ट व्यूज वीडियोस पे लेकर आना होगा। जो भी मोनेटाइजेशन का पॉलिसी है, क्राइटेरिया है, आपको पता है, वो क्राइटेरिया आपको फिर से फॉलो करना पड़ेगा। तो ये होता है अगर आप यूट्यूब में कंटिन्यूअसली नहीं रहते, यूट्यूब में अगर कंटिन्यूअसली काम नहीं करते हैं, तो ये गलती मैंने इस चैनल के साथ किया, बट अब मैं ये गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी 10-10 चैनल चला रहा हूँ, पहले से भी चला रहा था अलग अलग चैनल से, ये चैनल का मेरा समथिंग वीडियो दिया हुआ आपको जैसे मैंने दिखाया, ये 2-3 साल पुरानी बात है, 2-3 साल पुराना हो गया, और इन 2-3 साल में मैंने अच्छे खासे 6 से 7 यूट्यूब चैनल जो कि 2-3 साल पुराना मैंने क्रिएट किया, बनाया, और 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर उन सभी यूट्यूब चैनल्स को मैं अच्छा खासा ग्रोथ भी कर लिया हूँ, किसी में 5 लाख सब्सक्राइबर है, किसी में 1 मिलियन होने वाला है, किसी में 1 लाख सब्सक्राइबर है, किसी में 50,000 सब्सक्राइबर है, तो इस प्रकार से। लेकिन ये चैनल पे मैंने जो गलती किया था वो गलती मैं सोचा एक वीडियोस बना के आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग कभी भी भूल से भी, गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा, वरना बहुत बड़ा पछतावा होगा आपको। ये एक ऐसा गलती है यूट्यूब का जिसको आप किसी भी हाल में सुधार नहीं सकते भाई, नहीं सुधार पाओगे, मोनेटाइजेशन से डीमोनेटाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब इस चैनल पे अगर मैं काम करूँगा तो मुझे कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इस चैनल के लिए मैं जितना मेहनत करूँगा, काम करूँगा, उससे बेटर है कि मैं एक दूसरा चैनल बना लूँ, उस चैनल को मैं काम करूँ, तो वो चैनल मेरा जल्द से जल्द बूस्ट होगा और जल्द से जल्द ग्रोथ भी होगा, क्योंकि ये डेड चैनल है, यूट्यूब अब इसको उतना इंप्रेशन वगैरह नहीं बढ़ाएगा, नहीं भेजेगा लोगों के पास वीडियोज़ का। तो ये होती है कहानी, ये है यूट्यूब की गलती,
जो आप लोग मत कीजिएगा, मैंने किया था और आप लोगों को आज बता दिया हूँ एक वीडियो के माध्यम से। वीडियो शायद बहुत बड़ा था, बट आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा। अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपके लिए वीडियो कितना इम्पोर्टेंट था वो आप ही जान सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड भाई, पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ना, इससे भी फैंटास्टिक और डेंजरस वीडियोस देखने के लिए। यूट्यूब से रिलेटेड राजा लोग चैनल्स पे बहुत गजब गजब का वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसके लिए राजा लोग यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं चलता हूँ, बहुत ही जल्द फिर मिलूँगा एक लेटेस्ट और यूनिक वीडियो के साथ। फिलहाल आज के इस वीडियोस पे इतना ही। बाय, टेक केयर एंड भैया थैंक्स फॉर वॉचिंग। माइक हिल गया था यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।